अरे अरे पिंकी, वह कमीज कूड़ेदान में क्यों फेंक रही हो? दादाजी, यह फटी पुरानी हुई है। पापा ने इसे फेंकने को कहा है। कमीज चाहे फट गई हो, लेकिन इसके बटन तो साबुत है, ये काम आ सकते हैं। मैंने बटन उतार लिए हैं, इन्हें कुर्ते में टांग लूंगा। बेकार कमीज जब तुम फेंक सकती हो। यह गई कूड़ेदान में। अरे, उस मकान के पास कॉर्पोरेशन का ट्रक, वो यहाँ क्यों आया है? जाकर पूछना चाहिए। यह मकान अनाधिकृत है, इसे हम गिराने आए हैं। इस मकान की कुछ चीजें दादाजी के काम आ सकती हैं। इस मकान में से कुछ चीजें अगर हम निकाल लें, तो आपको एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, हम इसे कुछ दिनों बाद आकर गिराएंगे। तब तक तुम जो सामान चाहिए ले लो। धन्यवाद दादाजी। खुशखबरी, वहाँ एक मकान गिराया जाने वाला है। उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे काम आ सकती हैं। खिड़कियाँ ले चलो। पाइप काम आ जाएंगे। छत की शीट ले चलो। और ईंट भी। अब खाली प्लॉट बचा है। उसे हम नहीं ले जा सकते। हमारे घर के पास जगह खाली है। जो मकान बनाने का सामान लाए हैं, उसे अपने लिए एक नई इमारत खड़ी कर लेते हैं। वाह दादाजी, बेकार चीजों से नई वस्तु बनाने कोई आपसे सीखे। कुछ दिनों बाद। ट्रक रोको, वह जगह आ गई जहाँ मकान गिराना था। अरे, मकान तो पहले से ही गिराया जा चुका है, हमारी मेहनत बच गई। बेबी, तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बिल्डिंग बनाने का इतना सामान मिल गया। देखिए, उन पुरानी ईंटों से हमने अपने लिए नया मकान बना लिया। वाह पिंकी, आओ मकान की सजावट के बारे में कुछ सोचें। उधर सोफा सेट रखेंगे, इधर बुक शेल्फ, उस कोने में टीवी और वहाँ डाइनिंग टेबल। आप तकलीफ ना करें, मकान को हम खुद सजा लेंगे। बिना इजाजत या कौन कमबख्त अंदर आ गया? चलो बाहर निकलो। निकलिए आप। जिस जमीन पर यह मकान बनाया गया है वह प्लॉट मेरा है, इसलिए यह घर मेरा हुआ। ओ पिंकी। कब तू किसके इंतजार में बैठे हो? बिल्लू के। वह आए तब हम क्रिकेट खेले। क्या तुम अकेले खेल नहीं खेल सकते? नहीं, इसमें एक बॉलर चाहिए, दूसरा बैट्समैन। मैं बिल्लू के घर जाकर उसे लाती हूँ। जल्दी। पता नहीं उसके घर का दरवाजा बंद क्यों है। पिंकी, जल्दी से अंदर आ जाओ। बिल्लू, तुम खेल के मैदान में क्यों नहीं पहुँचे? कब्जू वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा दिल भी क्रिकेट खेलने को कर रहा है, लेकिन मजबूरी है। क्या? एक हफ्ते पहले मैंने बजरंगी पहलवान से 10 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उन्हें चुका नहीं पाया। बाहर निकलते ही वह मेरी हड्डियों का पाउडर बना देगा। मैं जाकर बजरंगी को रास्ते से हटाने की कोशिश करती हूँ। मुझ पर एहसान होगा। बजरंगी दादा, मैं बिल्लू का कर्ज उतारने आई हूँ। कितना है? 10 रुपए। परंतु हमारे हिसाब से हमने तुम्हें 24 रुपए देने हैं। वह कैसे? हमने एक फाइनेंस कंपनी खोली है जो एक दिन का 20% ब्याज देती है। तुम्हारे 10 रुपए पर 7 दिन का ब्याज 14 रुपए हुआ। मूलधन मिला के कुल 24 रुपए हुए हैं या नहीं? है बेटे, क्या मकान नंबर 127 इधर है? हाँ। अरे, यह तो शहर का सबसे अमीर सेठ दवन्नी चन्न है। उसके हाथ में ढेर सारे रुपए हैं। वह सेठ बिल्लू के घर की तरफ जा रहा है। वह हमारी फाइनेंस कंपनी में रुपए जमा कराने आया होगा। पिंकी, मुझे जल्दी नहीं है। बिल्लू मेरे पैसों को एक हफ्ते और रख सकता है, तब ज्यादा ब्याज बनेंगे। जाओ क्रिकेट खेलो, बजरंगी चला गया। सेठ जी, मकान नंबर 127 इधर है। हाँ, लेकिन मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। चंपू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? ध्यानचंद जैसा हॉकी चैंपियन, और ओलंपिक में मैच जीतकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा। मैं भी महिला हॉकी टीम की कप्तान बनूंगी। चंपू, इधर आओ। देखो, एक पिल्ला गड्ढे में पड़ा है, इससे बाहर नहीं निकला जा रहा। हमें इसको बाहर निकालना चाहिए। पिंकी, तुम हाथ डालकर उसे ऊपर उठा लो। मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे बाजू लंबे हैं। वह उस तक पहुंच जाएगा। नहीं, मैं गड्ढे में हाथ नहीं डालूंगा। अगर पिल्ले ने मेरी उंगली काट ली तो? तब तुमने मुझे क्यों उसे उठाने को कहा था?
ठीक है, हम दोनों में से कोई उस कुत्ते की मदद नहीं करेगा। आओ अपना खेल जारी रखें। कहाँ जा रही हो? वह रो रहा है, मुझसे उसकी मदद के बगैर नहीं रह जाता। आओ अच्छे पप्पी, उसने हॉकी पकड़ ली, अब मैं उसे उठा लूंगी। ओह, वह फिसल कर पेड़ गड्ढे में गिर गया। कोई और उपाय सोचना होगा। घर से मैं चमड़े के दस्ताने लाती हूँ, उन्हें पहनने के बाद पिल्ले द्वारा हाथ काटे जाने का डर नहीं रहेगा। ये रहे। लाओ, मैं इन्हें पहनकर उसे पकड़ लूंगा और वह सुरक्षित बाहर आ जाएगा। आहा, वह मेरे हाथ में आ जाएगा। कहो, आखिर तुम बाहर आ ही गए। अगर हम इसे बाहर न निकालते तो यह गड्ढे में भूखा प्यासा मर जाता। चंपू, पिल्ले को लेकर कहाँ चल दिए? घर, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा, यह हमारे घर की रखवाली करेगा। लेकिन इसे मैं पालूंगी। इसे गड्ढे से निकाला मैंने और इस पर हक तुम जमाना चाहती हो? अगर मेरे दस्ताने न होते तो तुम इसे न निकालते। यह पिल्ला मेरा है। मेरे दस्ताने उतार दो इसी वक्त। अभी नहीं दे सकता, जल्दी से घर पहुँच कर मुझे अंदर से दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। वो अपने परिवार से जा मिला। यह रहे तुम्हारे दस्ताने। पलासी की लड़ाई 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला में हुई थी। पलासी की लड़ाई 1757 में लॉर्ड क्लाइव शे जंग, मैं तुम्हारी बंदूक की आवाज में पढ़ाई नहीं कर सकता, कल मेरा इम्तिहान है। विधाधर, कल मेरा भी इम्तिहान है। मैं ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा हूँ। कमबख्त एक भी निशाना चिड़िया को नहीं भेद रहा है, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ। ओह, मेरा दुर्भाग्य। विधाधर, क्यों परेशान हो? पिंकी, मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। मगर तुम तो पूरे राज्य में फर्स्ट आते हो। वह देखो, ऐसे शोर में कोई क्या याद कर सकता है। हाँ, तुम पढ़ना जारी रखो, मैं बाहर जाकर बंदूक की फायरिंग बंद कराती हूँ। मगर पिंकी, शेरजंग गुस्से में है, कहीं वह तुम्हें गोली ना मार दे। लड़की, पीछे हट जाओ। इतना गुस्सा किस लिए है? एक भी गोली निशाने पर नहीं बैठ रही। मुझे अपनी बंदूक दिखाओ। तुम्हारी बंदूक की नली में एक कंकड़ अटका हुआ है, कारतूस बाहर नहीं निकल पाते। बंदूक की नली में उंगली डालकर अगर तुम वह कंकड़ निकाल दो तो फिर कारतूस बाहर निकलेंगे और निशाने को भेज देंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं उस कंकड़ को निकालता हूँ। ओह, मेरी उंगली नली में फंस गई, वह बाहर नहीं निकल रही। यह उंगली बाहर कैसे निकलेगी? उंगली या बंदूक, दोनों में से एक को कटना होगा। उंगली कटवाना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाना, अगर बंदूक की नली तो लोहार के पास। दफ्तर जाने का टाइम हो गया। हरी, एक ही जुराब, दूसरी कहाँ है? पिंकी, मेरी दूसरी जुराब नहीं मिल रही, कहीं तुमने उसे गलत जगह पर तो नहीं रख दिया? नहीं पिताजी, अलमारी में ही दूसरी होगी, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। यह रही दूसरी जुराब। मगर यह मेरी नहीं है, देखो मेरी जुराब पर स्ट्रिप का डिजाइन है, जबकि तुम्हारे पास जो है उस पर चेक है। मैं दूसरे कमरे में ढूंढता हूँ। यह चेक वाली जुराब भी एक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने भूल से एक पाँव में चेक दूसरे पाँव में स्ट्रिप वाली जुराब पहन रखी है। पिंकी, कहाँ जा रही हो? दादाजी के पास, उन्होंने शायद दो अलग अलग जुराबें पहन रखी हैं। देखो, इस वक्त दादाजी के दोस्त चोपड़ा साहब बैठे हैं, अगर तुम उनके सामने दादाजी के पाँव देखोगी तो बेइज्जती होगी। मम्मी, दादाजी ने गलत जुराबें तो नहीं पहन रखी? यह देखने के लिए मुझे एक तरकीब सूझी है, तुम इसे पकड़ो, मेहमान को पता नहीं चलेगा कि मैं दादाजी की जुराबें देख रही हूँ। दादाजी प्रणाम। इससे पहले इस लड़की ने कभी मुझे प्रणाम नहीं किया। कितनी आदर्श बच्ची है। मम्मी, दादाजी ने सचमुच पापा की एक जुराब पहन रखी है। हाँ, लेकिन उनके मित्र के सामने हम दादाजी को यह कैसे बताएंगे? मैं फिर कोशिश करती हूँ। दादाजी, मैं आपको बुला रही थी।
लेकिन मैंने तो नहीं सुना। आपके कान में मैल जमा हो गई है, अपना कान इधर लाइए, साफ कर दूं। दादाजी, दरअसल आपने दो अलग अलग तरह की जुराबे पहन रखी है। भाई चोपड़ा, मैं अभी आया, लो अपनी जुराब, मेरी मुझे दे दो। कुकुट, कहाँ जा रही हो? वाह, बालू के सिर पर गिलहरी, यह खूब रही। तमाशा करने से 5 रुपए 40 पैसे इकट्ठा हुए, एक वक्त की रोटी आ जाएगी। बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? भोला भालू वाला। बेटी लो, आधे पैसे तुम ले लो। यह किस लिए? भालू के साथ तुम्हारी गिलहरी ने भी खेल दिखाया था। नहीं, मेरी कुक्कुट तो यही फुदकती रहती है। अच्छा, चलता हूँ। आ गया भोलू भालू वाला। सिया राजा साहब, कैलेंडरों की जगह आपने जंगल के जानवरों से कमरा सजा रखा है। किसो, ये सब मैंने शिकार में मारे हैं। सब जानवर के सिर टंगे हैं, मगर एक रीछ के सिर की कमी खटकती है। तुम ठीक कहते हो, मैंने जंगल में भालू को बहुत ढूंढा, मगर वह नहीं मिला। भोलू भालू वाला, काम बन गया। घिसो, जाओ उससे भालू खरीद लो। कहो भाई, यह भालू बेचोगे? हुजूर, यह तो हमारी रोजी रोटी है, तमाशा दिखाते हैं, कुछ सिक्के के इकट्ठे हो जाते हैं, यह ना रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। सियाराज साहब, वह भालू बेचने से इनकार करता है। उस कलंदर की है हिम्मत, मुझे उस जानवर का सिर दीवार पर टांगने के लिए चाहिए, मैं उसे मार कर यह हासिल कर लूंगा। नहीं हुजूर, इसे मत मारो। पीछे हट जाओ। नहीं साहब, वह मर गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो फिर तुम दोनों एक साथ मरो। आओ। धन्यवाद बेटी। पिंकी, उदास क्यों बैठी हो? मम्मी, आज क्या करूं? परीक्षाएं समाप्त हो गई, गर्मी की 2 महीने की छुट्टियां हैं, बैठी बोर हो रही हूँ। मैं मार्केट से तुम्हारे लिए कहानियों की किताब लाई हूँ। वाह, काफी मनोरंजक कहानियाँ हैं, छुट्टियाँ अच्छी बीतेंगी। मेंढक राजकुमार के बाद सुनहरी परी की कहानी पढ़ी जाए। मम्मी, यह किताब तो मैंने 1 घंटे में पढ़ डाली, अब क्या करूँ? तुम इसे अपने किसी मित्र की किताब से बदल लो। अच्छा सुझाव है, इस तरह कुछ भी पैसे खर्चे बगैर मैं नई कहानियाँ पढ़ सकूंगी। पिंकी, कहाँ जा रही हो? मिको, मैं किसी से अपनी कहानियों की किताब बदलने जा रही हूँ। तुम उसे मेरी किताब से बदल सकती हो। तुम्हारी किताब मेरी पुस्तक से छोटी है, उसमें कम कहानियाँ होंगी, यह सौदा मुझे मंजूर नहीं। पिंकी, किताब लिए कहाँ चल दी? रीटा दीदी, मैं इसे किसी की किताब से बदलने निकली हूँ। तुम इसे मेरी किताब से बदल सकती हो, इसमें कई कहानियाँ हैं। तुम्हें अपनी किताब पढ़ने में कितना वक्त लगा? मेरी किताब में 1 सप्ताह तक मनोरंजन करने के लिए सामान है। उसके बाद मैं क्या करूँगी? नहीं, मुझे और बड़ी किताब चाहिए। पिंकी, कहो तुम अपनी किताब मेरी किताब से बदलोगी? कब तो? तुम्हारी किताब में कितने दिनों तक पढ़ने का मैटर है? तुम इस किताब को 2 महीने से पहले खत्म नहीं कर सकती। बस ठीक है, आओ हम किताब बदल लें। अब हम 2 महीने बाद यहीं मिलेंगे। गणित की किताब। MCC यानी मूर्ख क्रिकेट क्लब ने हमारे CCC अर्थात चौका छक्का क्लब को मैच के लिए चैलेंज किया है। चैलेंज मंजूर है, मैं अपनी टीम का ओपनिंग बैट्समैन रहूंगा, मैं स्पिन बॉलर, मैं विकेट कीपर, लेकिन टीम का कप्तान कौन होगा? मैं। खामोश, टीम के इतने सारे कप्तान नहीं हो सकते, जब सहमति न हो तो किसी निर्विवादित आदमी को बाहर से चुनना चाहिए। मैं कप्तान मल्होत्रा को जानती हूँ, वो हमारी टीम को MCC के खिलाफ लीड करेंगे, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। कहो,
कैप्टन, हमारी इच्छा है कि आप हमारे चौका छक्का क्लब की क्रिकेट टीम के कैप्टन बनकर उसे लीड करें। मुझे अफसोस है, मैं यह नहीं कर सकता। क्यों? क्या आपने हमारे विरोधी मूर्ख क्रिकेट कप्तान का कैप्टन बनना स्वीकार कर लिया है? नहीं, मैं हवा यहाँ चलाने वाला कैप्टन हूँ, क्रिकेट से मेरा क्या वास्ता? तो क्या हुआ? अगर मैं बल्लेबाजी करूँगा तो वही होगा जो श्रीकांत के हवाई जहाज उड़ाने पर होगा। देखिए, आप टालिए मत, यह हमारी टीम की इज्जत का सवाल है। नहीं, 100 बार नहीं। रास्ता छोड़ो, जहाज पे यात्री बैठ चुके हैं, मुझे उसे बम्बई ले जाना है। देखिए, हम आपकी फीस थोड़ी ज्यादा दे देंगे और मैच जीतने पर जो ट्रॉफी मिलेगी वह भी आप रख लेना, हमारी टीम को लीड करो। ओफो, यात्री जहाज 4 के उड़ने का इंतजार कर रहे हैं और वे मुझ पर गुर्रा रहे हैं। देखिए, अगर हमारी टीम जीत जाएगी तो कैप्टन होने के नाते आपकी फोटो अखबार में छपेगा। नहीं, अगर आप नहीं मानते तो जाइए। कैप्टन, एयरपोर्ट उधर है, आप उल्टा भाग रहे हैं। मेरी वजह से जिन यात्री को देरी हुई वे आ रहे हैं। मम्मी, आप बार बार घड़ी को देख रहे हैं, क्या कोई आने वाला है? हाँ पिंकी, मेरी सहेली मिसेस गीता मुझसे मिलने आ रही हैं। हम दोनों बैठकर बच्चों को अनुशासन में कैसे रखें इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। लगता है वह आ गई। आओ गीता, तुम ठीक समय पर पहुंच गई। पिंकी, मिम्मी, लो चाय। कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं, मेहमानों के नाक में दम कर देते हैं। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं, उनकी माँ को चाहिए कि वह बच्चों को सही दिशा दिखाए। मिम्मी, देखो मेरी गेंद कितनी उछलती है। ओह, तुम्हारी गेंद से मिसेस गीता की चाय बर्बाद हो गई। जाओ तुम दूसरे कमरे में खेलो। देखा मैंने किस होशियारी से समस्या को सुलझा दिया। ना बच्चे इस कमरे में रहेंगे, ना हमारी बातचीत में विघ्न पड़ेगा। सचमुच कितनी कुशल माँ हो। मैंने बड़े हटी बच्चों को चुटकी मारकर सीधा कर दिया है। तैयार, 1, 2, 3। पिंकी, ये क्या हो रहा है? मम्मी, हम पॉप म्यूजिक बजा रहे हैं। इसे बंद करो, शोरगुल में मैं और मिसेस गीता बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, अब तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगी। मधु, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि बच्चों द्वारा पैदा की गई समस्या का तुम्हारे पास कारगर हल है। आओ हम आगे बातचीत शुरू करें। टोनी, क्या तुम हमें अपना बैट बॉल नहीं दिखाओगे? पिंकी, जितनी देर तुम मुझे अपना बैंड बाजा दोगी उतनी देर के लिए तुम मेरे बैट बॉल से खेल सकती हो। मंजूर है। पिंकी, या गुगली को खेलो। ओह मधु, क्या इस समस्या का भी तुम्हारे पास कोई उपाय है? एक है, पिंकी विमी तुम दोनों घर में खेलो, हम बाहर पार्क में बैठकर बातें करेंगे।